नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी के अमरोहा में एक प्रेमी युगल ने प्यार के खातिर मजहब की दीवार तोड़ दी। दरअसल अपने प्यार के खातिर अमरोहा की शिफा ने सनातन धर्म अपना लिया। वो शिफा से संध्या बन गई और आर्य समाज मंदिर में विधि विधान के साथ शादी भी कर ली। उन्होंने बताया कि शुरुआत से ही वो शाकाहारी थी, सनातन धर्म से प्यार था। गौ माता सेवा ट्रस्ट के लोगों ने वर और वधु को आशीर्वाद दिया। देखिए ये रिपोर्ट। शिफा अमरोहा के बाजार रजाक मोहल्ले की रहने वाली हैं। प्राइवेट जॉब करने के लिए वो मुरादाबाद आ गई थी। करीब 2 साल पहले उनकी मुलाकात एक दोस्त के जरिए पागबड़ा के रहने वाले अनमोल से हुई। कुछ दिन में ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया, बात शादी तक पहुंच गई। इस बीच शिफा का मुस्लिम धर्म आड़े आ गया। इस पर शिफा ने धर्म परिवर्तन कर सनातन धर्म अपना लिया। शिफा से अपना नाम बदलकर संध्या रख लिया। इस दौरान वो गौ सेवा ट्रस्ट के सचिन सक्सेना के संपर्क में आ गई। ट्रस्ट में दोनों का आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संध्या और अनमोल की शादी करवा दी। आचार्य प्रेमदेव शास्त्री ने विवाह की रस्म अदा करवाई। गवाह की भूमिका निभाई अनन्या रानी और दीपक कुमार ने। गौ सेवा ट्रस्ट के सचिन और अन्य लोगों ने वर वधु को आशीर्वाद दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या। संध्या, आपने शादी करी है अभी? जी। क्या है पूरा बताए? शादी मैंने इसलिए करी है, मुझे हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं वो पसंद है, इसीलिए मैंने शादी की है, अपनी मर्जी से की है। अनमोल से मुझे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने उनका हिंदू धर्म अपना लिया। मुझे हिंदू धर्म अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बालिग हूँ, हाई स्कूल कर रही हूँ, इसीलिए। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं अमरोहा की। और सुना है आप जॉब करती थी कहीं? जी, मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, लेकिन अब मैं हाउस वाइफ बनकर रह रही हूँ। अनमोल से मुलाकात कैसे हुई आपकी? अनमोल से उनकी शॉप है, मैं उस पे गई थी, फिर हमारी बातचीत हुई थी, इसीलिए। तो क्या परिवार से अलग रहती थी आप यहाँ पर? जी, मैं परिवार से अलग ही रहती थी। अच्छा, आप इस्लाम धर्म से संबंध रखती हैं, अनमोल हिंदू से, तो जब आपने कदम उठाया जरूर दोनों के परिवार में नाराजगी हुई होगी। जी बिल्कुल। तो उसे कैसे मैनेज किया, क्या हुआ फिर उसका? उसे मैनेज तो अभी नहीं हो पाया, उन्होंने मतलब मेरे से सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर रखे हैं और उनके घर वालों ने भी कर रखे हैं मेरे हस्बैंड के। अच्छा, जब पार्ट टाइम जॉब कर रही थी तब परिवार से संबंध ठीक थे आपके? जी, तब ठीक थे, नॉर्मली थे। तो ये बात परिवार से छुपा के रखी कि आपके अनमोल से प्यार के संबंध है? जी, ये बात छुपाई थी, लेकिन शादी के बाद बता दिया था कि मैंने शादी करी। तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? उन्होंने यही बोला कि हमसे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, हमसे सारे मतलब वास्ते सब संबंध खत्म है। तो क्या ये आप भी इसे मान लेंगी कि घर से अलग रह के अनमोल के साथ रहा जाए? जी, मुझे अब उन्हीं के साथ रहना है। कितना टाइम हो गया आपका और अनमोल की मुलाकात? 6 महीने। तो 6 महीने से आप कंटिन्यू अनमोल से यहीं पे मुरादाबाद में मिल रहे थे, घर जाना आना करते थे उस बीच में? हाँ, उस बीच में करते थे, बट अब नहीं। तो क्या आप आगे परिवार को मनाने की कोशिश करेंगे? कोशिश करूंगी, मानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो वो अपने घर रहेंगे, मैं अपने घर रहूंगी। अच्छा, शुरू से आपने नौकरी की है, क्या अब भी आप अनमोल का हाथ बटाएंगी, नौकरी करेंगी, क्या करेंगे? नहीं, अब मैं जॉब नहीं करूंगी, अब मैं हाउसवाइफ ही बनकर रहूंगी। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, धर्म दोनों में से कोई बुरा नहीं है, बट यह है मुझे थोड़े हिंदू धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने शादी की और वो भी हिंदू थे। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल, आपने शादी करी है, कौन है और कैसे मुलाकात? आपने जिनसे शादी करी है क्या नाम है उनका, कौन है, कहाँ की रहने वाली? पहले उनका नाम शिफा था, शादी के बाद उनका संध्या हुआ। कैसे मुलाकात हुई? हमारे मतलब मैं दुकान पे जॉब करता हूँ, ठीक है, उस दुकान पे आई थी तो मुलाकात हुई थी। उसके बाद मैं फिर हमारी एक बहन है, हाँ चल, उनके पास ही रहती थी, साथ में रहती थी। जी, तो अब क्या हिंदू धर्म अपना लिया है इन्होंने? जी। किस तरह से शादी करी है आपने? हमने आर्य समाज मंदिर में शादी करी है। ठीक है, अब कहाँ रह रहे हैं? अब कहाँ रह रहे हैं? पार्ट बने हुए, मतलब जो है आपके साथ ही रह रही हैं? मतलब हमारे साथ रह रही हैं वहाँ समाधान में। अच्छा, परिवार को पता है आपके? परिवार को पता है। कोई विरोध नहीं? उनके परिवार को पता है? उनके परिवार को पता है। क्या रेस्पॉन्स है उनके परिवार का? उनके परिवार ने संबंध खत्म कर दिए। क्या कहा?
अपनी लड़की से मना कर दिया, बोले ना हमारे घर आ पाओगे ना हम तुमसे कोई वास्ता रखेंगे। कितना टाइम हो गया आप दोनों के मुलाकात हो, मतलब आप दोनों के बीच प्रेम संबंध कब से चल रहे थे? 6 महीने से। 6 महीने से जी। अब आगे क्या प्लानिंग रखी है? साथ ही रहना अपना घर परिवार में। नहीं, अब जैसे पता चला है कि तुम्हारे परिवार वाले भी तुमसे नहीं रखना चाह रहे हैं, इनके परिवार वाले भी नहीं रखना चाह रहे हैं, तो दोनों ने अलग रहना है बिल्कुल। इसमें ये उम्मीद है कि परिवार वाले मिल पाएंगे आपके या इनके? उम्मीद है, कोशिश करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव की रिपोर्ट। अब देखा जाए तो ऐसे मामले आजकल एक के बाद एक निकलकर सामने आ रहे हैं जो सुर्खियां बटोरते रहते हैं। ऐसे में ये मामला एक बार फिर लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।